हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और ये हमारा नाउन एंड उसके टाइप्स का सेकंड पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने नाउन क्या होती है ये पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने देखा था कि नाउन के कितने टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप देखा था कॉमन नाउन, फिर हमने देखा था प्रॉपर नाउन और उसके बाद हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसके दो टाइप और देखने वाले हैं, प्लस इन टाइप को फर्दर क्लासीफाई कर रखा है वो भी देखेंगे इस लेक्चर में हम। तो ये तीनों चीजें हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होती है? जब हम कॉमनली किसी को भी, जैसे टीचर है, ठीक है, तो एक कॉमन नेम टीचर, 5 लोग टीचर हो सकते हैं, 10 लोग टीचर हो सकते हैं, तो एक टीचर है, माउंटेन है, जब कॉमनली किसी भी चीज के लिए हम वो वर्ड यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। नेक्स्ट होता है हमारा प्रॉपर नाउन, जब उस कॉमन नाउन को एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, लाइक मैं एक गर्ल हूँ, गर्ल, और मेरा नेम क्या है? रक्षा। तो गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन, और प्रॉपर नाउन क्या हो गया? रक्षा। उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिस चीज को हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। तो हमने इस तरह की नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखी थी, लाइक हैप्पीनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, डम्बनेस, डीपनेस, ये सबने हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ा था। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव नाउन, नाउन क्या है? नेम है। कलेक्टिव मतलब कि ग्रुप बना देना, ठीक है, कलेक्ट करके, कुछ लोगों को कलेक्ट करके, कुछ जानवर है उनको कलेक्ट करके हम उनको एक नाम दे दें, उसको उस कलेक्शन को हम कोई नाम दे दें तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या मतलब है, क्या बोलना चाह रहे हो मैम? तो किसी पर्सन या बहुत सारे लोगों का कलेक्शन, उसको कोई नाम बोला है, ग्रुप मतलब, ठीक है, एनिमल का, थिंग का कलेक्शन या उनके ग्रुप को हमने कोई नाम दिया है तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या मतलब है? जैसे ये कोई मैन था, इसको हम क्या बोल रहे थे? ये एक कोई पर्सन है, उसको हम मैन बोलेंगे या बॉय बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से किसी गर्ल को हम गर्ल बोलेंगे या वुमेन बोलेंगे या उसका नाम ले लेंगे, ओके। बट हम यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कलेक्शन को, जो आर्म्ड फोर्सेस में देश की रक्षा करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। सेम इसी तरह से हम नेवी बोलते हैं, तो आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, जो नवल फोर्सेस होती है हमारी, उसको नेवी बोला जाता है, एयर फोर्स। तो क्या एयर फोर्स किसी एक इंसान को बोला गया है? नहीं, एक इंसान को तो नहीं बोला गया है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं उसको आर्मी नाम दिया गया है। इसी तरह से घर में कुछ एक जैसे दिखने वाले लोग या एक ही परिवार के लोग, मम्मी पापा दो बच्चे, ये सब जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है फैमिली, ठीक है। तो फैमिली किसको बोलते हैं? एक घर में एक साथ रहने वाले लोग, एक साथ खाना खाने वाले लोग, जो उस घर में साथ में रहते हैं या एक ही परिवार के सदस्य हैं, माँ और उनके बच्चे और उनके पापा, तो उन सबको क्या बोलते हैं? फैमिली। क्या किसी एक इंसान को फैमिली बोलते हैं? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्सन के घर में कोई हो ही नहीं, दो लोग ही हो, तो वो दो लोगों की फैमिली हो गई। सेम इसी तरह से जजेस का ग्रुप, बहुत सारे जज हैं, जजेस का ग्रुप जिसको क्या बोलते हैं? जूरी, JURY, जूरी, ठीक है। तो जूरी किसको बोला जाता है? जजेस के ग्रुप को। क्या एक जज को जूरी बोलते हैं? नहीं, जजेस के ग्रुप को जूरी बोलते हैं हम। इसी तरह से बहुत सारी भीड़ है तो उसको क्राउड बोलते हैं, लोग, पीपल, ठीक है। इसी तरह से फैमिली हो गई, फैमिली हमने देख लिया, टीम, कुछ लोग मिलकर एक काम, जिनको एक टास्क दिया गया है तो उन लोगों की टीम है, टीम क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गई। सेम इसी तरह से कुछ स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, उसको, जो बैठे हुए हैं वो पढ़ रहे हैं, उसको हमने क्या बोला? क्लास बोला, ठीक है। क्लास चल रही है यहाँ पे, जैसे कि हमारी क्लास चल रही है यहाँ पे, तो ये क्लास कलेक्शन का नाम है, ठीक है, किसी एक को तो आपने नहीं बोला। हाँ, अभी आजकल ऑनलाइन की दुनिया में ऐसा हो गया है कि आप अपने अपने घर पे बैठे हुए हैं, मैंने यहाँ पे चला दी, वो एक अलग बात है, ठीक है, ओके। इसी तरह से जैसे ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स का जो ग्रुप होता है, बहुत सारे ग्रेप्स एक उसमें लगे होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बंच बोलते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स। इसी तरह से विंड, विंड का जो झोंका होता है उसको बोलते हैं गस्ट, गस्ट ऑफ विंड्स। इसी तरह से जो गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट किसी एक इंसान को बोलते हैं? नहीं, जो पूरी व्यवस्था है उसको गवर्नमेंट बोलते हैं, जो गवर्नमेंट लोगों का ग्रुप है उसको बोला जाता है। सेम इसी तरह से जजेस हैं, और उसी तरह से कुछ कमेटी भी होती है, कमेटी भी एक इंसान की नहीं, हो सकता है 2 लोगों की कमेटी हो सकता है 3 लोगों की कमेटी हो, ठीक है, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी एक स्पेशल काम के लिए बनाया गया है, ठीक है, तो उसको आपने बोल दिया कमेटी। क्लियर हो गया? तो
ये क्या है, कलेक्टिवली आप उनको कुछ नाम दे रहे हो। अब आप बोलोगे यार मैन मैन भी तो हम सबके लिए यूज कर रहे थे, लेकिन इस इंडिविजुअल पर्सन का नाम भी के लिए भी आप मैन यूज कर लोगे, दूसरा जो है उसके लिए भी मैन यूज करोगे। क्या दोनों को साथ में मिला के आपने मैन बोला? नहीं, साथ में मिला के तो आपने मैन नहीं बोला, या फिर आपने साथ में मिला के बोल रहे एम ई एन प्लूरल कर दिया आपने उसको, ठीक है? तो वो दोनों के लिए आप प्लूरल कर रहे हो, ना कि सिंगुलर। सिंगुलर मतलब कि ये जो कलेक्टिव नाउन है ना, ये नाम दिया गया, जैसे जजेस का ग्रुप तो उसको जूरी बोल रहे हैं, ऐसा सिंगुलर प्लूरल जैसा तो कुछ नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली ये होती है कलेक्टिव नाउन, जैसे कि आर्मी हो गया, कमेटी हो गया, फैमिली हो गया, कोई एसोसिएशन हो गया, कोई कम्युनिटी, ठीक है, हर्ड हो गया, फाइल, बंच, ये सभी क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। आपने बचपन में बाल भास्कर वगैरह पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, जैसे कि कुछ वर्ड्स आते थे, डंकी इसके ग्रुप को ट्रेन बोलते हैं, लायन और मंकी के ग्रुप को ट्रूप बोलते हैं, स्कूल किसके ग्रुप को बोलते हैं, वेल्स के ग्रुप को स्कूल बोला जाता है, इस तरह के एक दो और नाम भी होंगे, ठीक है? इसी तरह से फ्रूट्स का एक बास्केट होता है, जो स्टार्स हैं उनका ग्रुप जनरली क्लस्टर बोला जाता है, ठीक है? इसके अलावा आपका पिकॉक के ग्रुप को हम मस्टर बोलते हैं। तो इस तरह के पिलग्रिम्स डिवोटीज जो हैं उनका जो ग्रुप जा रहा होता है उसको हम कॉन्गिग्रेशन बोलते हैं। इसी तरह से कैटल मवेशी जानवर होते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये सब कलेक्टिव नाउन है। आपने एक इंसान के लिए एक चीज के लिए नाम नहीं बोला, आप उसके ग्रुप का कुछ नाम दे रहे हो। इसी तरह से बहुत सारी कीज है, एक गुच्छे में बहुत सारी कीज है, तो आप उसको क्या बोलते हो, उसको बंच बोलते हो, ठीक है? कीज का बंच, बंच ऑफ कीज। तो बेसिकली ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन होती है जो हम एक के लिए ना यूज करके उस पूरे के पूरे कलेक्शन के लिए यूज करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? अब यहाँ बात से समझ आ रहा होगा आपको, मटेरियल है ये, ठीक है? नाम से हमें समझ आ रहा है क्या चीज है, कुछ मटेरियल का नाम होना चाहिए यहाँ पे। तो ये होती है मटेरियल नाउन। क्या मतलब है, जैसे कि कोई भी नाउन जो किसी मटेरियल और सब्सटेंस से मिलके बनी होती है, जैसे कि गोल्ड, ठीक है? गोल्ड से आपकी रिंग वगैरह बनती है, तो गोल्ड जो है वो आपका मटेरियल नाउन है। इसी तरह से सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सभी क्या है, आपके मटेरियल नाउन है। तो अगर मैं बोलूं कि ऐसी सारी चीजें जिनको हम मेजर करते हैं, जनरली नापते तोलते हैं, जिनको नाप तोल के हम यूज करते हैं, उनको मटेरियल नाउन बोलते हैं, क्या ये गलत होगा? तो नहीं, ये गलत नहीं है, क्योंकि गोल्ड को आप नाप तोल के यूज करते हो, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, सिल्वर मटेरियल नाउन है, कॉपर, वुड हो गया, तो जैसे वीट हो गया, ठीक है, गेहूं, राइस हो गया, तो ये सारी की सारी क्या है, मटेरियल नाउन है। वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गए हमारे, कॉर्न, बार्ले, ये सभी के सभी क्या, जितने भी अनाज है ना, वो सारे के सारे मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है? क्योंकि इसको आप नाप तोल के यूज करते हो, ठीक है? आप 1 kg इस तरह से लेते हो। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ लिक्विड में, जितने भी लिक्विड है, जैसे मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, टी हो गया, ये सारे के सारे जितने भी लिक्विड होते हैं ना, उन सभी को भी हम नाप तोल के यूज करते हैं, तो वो सारे के सारे लिक्विड भी मटेरियल नाउन में ही आते हैं। ओके, मटेरियल नाउन में ही आते हैं जितने भी लिक्विड होते हैं, क्योंकि नाप तोल के यूज करते हो। उसमें एक एक मिल्क दे देना ऐसा तो हम नहीं बोलते, 1 लीटर दे देना, इसी तरह से एक राइस दे देना ऐसा भी नहीं बोलते, 1 kg राइस दे देना, ठीक है? तो मटेरियल नाउन क्या होती है, जिनको नाप तोल के आप यूज करते हो। ओके, इसके अलावा मेटल सभी इसमें आती है, नॉन मेटल भी इसी में आती है, तो गोल्ड इसमें आ गया, सिल्वर इसमें आ गया, कॉपर, वुड, ये भी आपके इसमें आ गया। इवन देखिए जो रिंग है वो किससे बनी हुई है, गोल्ड एंड डायमंड, ठीक है? किससे बनी हुई है, गोल्ड और डायमंड से, तो गोल्ड भी एक मटेरियल नाउन है यहाँ पे, डायमंड जो है वो भी मटेरियल नाउन है। रिंग कैसी नाउन है, ये जो रिंग दिख रही है वो कैसी नाउन है, बहुत सारी रिंग है तो रिंग एक कॉमन नाउन है, बट इस रिंग की बात हो रही है, ठीक है? दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड एंड डायमंड, यहाँ पे गोल्ड और डायमंड दोनों के दोनों मटेरियल नाउन है, रिंग जो है वो कॉमन नाउन है। इसी तरह से फोन, ये जो फोन दिख रहा है आपको, ये प्लास्टिक और मेटल का बना हुआ है, तो प्लास्टिक को भी आप नाप तोल के यूज करते हो, मेटल को भी इसी तरह से यूज करते हो, तो प्लास्टिक और मेटल दोनों की दोनों क्या हो गई, ये दोनों जो है वो मटेरियल नाउन हो गई। सेम इसी तरह से वुड, यहाँ पे थर्ड वाले में एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, द बैट इज मेड ऑफ वुड फ्रॉम द ट्री। ट्री कैसी नाउन है, ट्री बहुत सारे पेड़ है तो कॉमन नाउन हो गई। वुड जो है, वुड को तो आप ऐसे तोलते ही हो, ठीक है? तो वुड जो होती है वो आपकी मटेरियल नाउन होती है। तो मैं जितनी भी नॉन मेटल की बात करूं तो वो सारी की सारी मटेरियल नाउन होंगी, मेटल की बात करूं तो
जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सारी मटेरियल नाउन है। जितने भी लिक्विड की हम बात करें, लिक्विड सारे के सारे मटेरियल नाउन है। जितने भी हम सीरियल्स की बात करें, जैसे राइस, पल्सेस, ये सब हो गए, वो सभी मटेरियल नाउन है। ओके ओके। अब इसके अलावा अगर हम बोले स्टोन, स्टोन पत्थर, अगर स्टोन को आप घर बनाने के लिए यूज कर रहे हो तो बहुत सारी क्वांटिटी में यूज करोगे, तो नाप तोल के यूज करोगे, वो मटेरियल नाउन की तरह यूज होगा। एक स्टोन किसी में मार रहे हो तो वो बात अलग है। इसी तरह से ब्रिक हो गया हमारा, ठीक है, वुड हो गया हमारा, वुड यहाँ पे हमने देखा। इसके अलावा ग्लास, अगर मैं ग्लास की बात करूं, एक तो जो पानी पीने वाला ग्लास होता है उसको भी हम ग्लास बोलते हैं, तो वो तो कॉमन नाउन हो गया। अगर ये पर्टिकुलर ग्लास की बोले तो बात अलग है, वो फिर सेंटेंस में देखेंगे। इसके अलावा एक होता है ग्लासेस, ग्लासेस जो चश्मे होते हैं हमारे, गॉगल्स होते हैं, बेसिकली उनको हम ग्लासेस बोलते हैं, ठीक है, तो उसको ग्लास नहीं बोलते, ग्लासेस बोलते हैं, तो वो एक अलग चीज है, ठीक है। अब ये वो वाला ग्लास हो गया, कांच वाला ग्लास, कौन सा वाला, कांच वाला ग्लास हो गया, तो ये आपका किसमें आएगा, ये मटेरियल नाउन में आता है, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो मटेरियल नाउन क्या होते हैं, जनरली ऐसी सारी चीजें जिनको नाप तोल के यूज करते हैं या मेटल से बनी होती हैं। तो इसमें मैंने सारी कैटेगरी बता दी, जो भी एग्जाम्पल आएगा उसको आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। जनरली यही सारे नाम आते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या बताया था हमने, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का ग्रुप को कलेक्टिवली हम कुछ बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ पर्सन, थिंग, इन सभी को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्लियर हो गया, ओके। तो यहाँ तक हमने पांच टाइप पढ़ लिए नाउन की। अब देखिए आगे चलते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि बॉय लिखा हुआ है, बॉय क्या है, बॉय, इसको प्लूरल कर दो तो आप बहुत इजीली एस लगा दोगे। इसी तरह से मैं बोलूं सिटी लिखा हुआ है, इसको प्लूरल कर दो तो आप CITIES लगा दोगे, सिटीज, प्लूरल कर दिया, मजे से आपने कर दिया। गर्ल, गर्ल में एस लगा दोगे, गर्ल्स। अब मैं बोलूं ये मिल्क है, इसमें भी इसको भी प्लूरल कर दो तो क्या मिल्क में एस लगा दोगे, नहीं, आप तो लगा सकते हो लेकिन लगाते नहीं। मिल्क में मिल्क सिंगुलर है ना, प्लूरल, क्योंकि मिल्क को तो काउंट ही नहीं कर सकते। मिल्क को तो हम क्या करते हैं, मिल्क को हम मेजर करते हैं, इसको काउंट नहीं करते, तो इसीलिए इसमें ऐसे एस नहीं लगा सकते। तो ये कैसे पता चलेगा, इसीलिए हमने पढ़ने के लिए हमें इजी हो इन्हीं नाउन को जो अभी आपने पढ़े हैं उनको फर्दर हमने दो टाइप में कैटेगराइज किया है, दैट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल कौन सी होती है, जिसको काउंट कर सकते हैं, नाम से समझ आ रहा है, अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं कर सकते। काउंट किसको नहीं कर सकते, वाटर को काउंट कर सकते हो क्या, नहीं, वाटर को मेजर करते हो 1 लीटर, 2 लीटर, 1 ग्लास, ये होता है। सॉइल, सॉइल को भी हम काउंट नहीं कर सकते। सुगर, सुगर को भी नहीं कर सकते, 1 केजी, 2 केजी। व्हीट, राइस, सॉल्ट, ये सभी सब क्या हो गए, जाएंगे अनकाउंटेबल हो जाएंगे। अब काउंटेबल नाउन कैसी होती है, जिनको आप काउंट कर सको, जैसे कि पेन, मेरे हाथ में एक पेन है, उसको मैंने 1 पेन बोल दिया, 10, 20, 50, 100, 1 लाख, बट काउंट तो कर सकते हैं। लेडीज काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चेयर काउंट कर सकते हैं, हाँ, 50, 100 कर सकते हैं। तो ये जो भी चीजों को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होती है। हमेशा याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन के पहले ही हम आर्टिकल यूज करते हैं, अनकाउंटेबल के पहले आर्टिकल यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि आर्टिकल ए एन इन दोनों का क्या मतलब होता है, ए और एन का एक मतलब होता है, ए मतलब एक, एन मतलब भी एक ही होता है, ठीक है। ए और एन जनरली एक के लिए लगाते हैं, तो जिसको काउंट कर सकते हैं उसी को तो एक बताएंगे, या तो एक है तो एक किसको बता सकते हो, जिसको काउंट कर सकते हो, जैसे पेन को अ पेन लिख दोगे, ठीक है। तो बेसिकली हम काउंट कर सकते हैं उसी के पहले हम आर्टिकल लगाएंगे, अनकाउंटेबल के आगे नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया, इसीलिए हमें काउंटेबल अनकाउंटेबल चाहिए था। सेम इसी तरह से इनके बाद में ही हम एस लगाएंगे, इसके बाद में तो हम लगा नहीं सकते, ओके, क्लियर हो गया। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन होती है ये हमेशा अनकाउंटेबल होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जनरली हमने क्या देखा था, फीलिंग्स वगैरह देखा था, डार्कनेस, ब्राइटनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, तो क्या उसको काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगी। प्रॉपर नाउन, अब आपके मन में आएगा प्रॉपर नाउन को तो काउंट कर सकते हैं, बट प्रॉपर नाउन तो एक ही होती है ना। प्रॉपर नाउन, मेरा नाम रक्षा रघुवंशी, एक ही है, ठीक है। रक्षा रघुवंशी जैसी बहुत सारी रक्षा हो सकती है, नाम हो सकते हैं, लेकिन जिसकी आप बात कर रहे हो वो तो एक ही है, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब एक ही है, तो प्रॉपर नाउन को काउंट नहीं किया जाता। प्रॉपर नाउन की एक अलग ही कैटेगरी होती है, ठीक है, तो जनरली इनको काउंट नहीं करते। अब इसको अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखो, रख लो, नहीं रखना तो इसकी एक अलग ही कैटेगरी होती है, दैट इज प्रॉपर, ये तो एक ही है, कभी इसको काउंट तो नहीं करोगे आप, ठीक है, तो एक को क्या काउंट करना, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया,
अब आप बोलोगे ये सब तो हमें समझ आ गया, तो जो भी आपको समझ आया उसको थोड़ा सा समझते हैं। हमने ये एक साइड लिख दी है वो सारी नाउन, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव और मटेरियल, दूसरी साइड काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये दो टाइप में कैटेगराइज किया था। प्रॉपर नाउन क्या इसको काउंट करते हैं? नहीं करते हैं, ठीक है, ये अनकाउंटेबल या फिर प्रॉपर ही कर दो आप इसको, ठीक है, जो भी मन है आपका। बाकी ये चार बची हुई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंट कर सकते हैं? तो नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, सैडनेस, हैप्पीनेस, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस में आ जाएगी? अनकाउंटेबल में। कलेक्टिव नाउन, ठीक है, अब पहले आप मटेरियल नाउन का देखो, क्या मटेरियल नाउन को काउंट कर सकते हैं? मटेरियल को आप काउंट कर सकते हो क्या, बताओ? मटेरियल, ठीक है, राइस, व्हीट, पल्सेस, तो ये सब क्या हो जाएंगी? अनकाउंटेबल हो जाएंगी। अब बचा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को आप काउंट कर सकते हो क्या? हाँ, मैन, एक है, दो है, दस है, पेन, ठीक है, तो इन सबको काउंट कर सकते हो, तो ये काउंटेबल हो जाएंगे। तो कॉमन नाउन काउंटेबल होती है। प्रॉपर नाउन को भी हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसको हम हटा देते हैं। बाकी बचा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं? ग्रुप, कलेक्शन के लिए। तो मैं आपको बोलूं कि कलेक्टिव नाउन फैमिली, ठीक है, फैमिली, तो फैमिली जो आपका है वो जनरली अनकाउंटेबल ही होती है। फैमिली में 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, इंडिविजुअली बात नहीं कर रहे, फैमिली एक अनकाउंटेबल, लेकिन इसको काउंट किया भी जा सकता है, लाइक टू फैमिलीज, ठीक है, टू फैमिलीज, 10 फैमिलीज, 5 फैमिलीज, सेम इसी तरह से 1 टीम, 10 टीम, ठीक है, तो टीम हो गया, क्लास, 1 क्लास, ठीक है, 1 क्लास, 10 क्लासेस। तो जनरली जो कलेक्टिव नाउन होती है, जनरली 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 जो कलेक्टिव नाउन होती है वो अनकाउंटेबल होती है, बट इसको काउंट भी कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, तो इनको काउंट भी किया जा सकता है कलेक्टिव नाउन को। तो आपके सामने क्या आया? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मतलब एक अकेली कॉमन नाउन ही है जो काउंटेबल है, प्रॉपर नाउन को तो आपने हटा ही दिया है, या आप इसको अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रख दो, ठीक है, बाकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी अनकाउंटेबल है, कलेक्टिव नाउन अनकाउंटेबल है, और मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल है। पर आपके मन में आएगा कि मैम देखो इसमें आपने पैच रख दिया, यहाँ पे आपने काउंटेबल भी बोल दिया अनकाउंटेबल, तो ये जनरली अनकाउंटेबल ही होती है जनरली, फिर बस अकेला इसको छोड़ दो आप, बाकी सब अनकाउंटेबल में आ गए। ये कभी कभी काउंटेबल हो सकती है इन कुछ कंडीशन, जैसे फैमिली, फैमिलीज हो गया, क्लास, क्लासेस हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके, ठीक है। तो ये हमने सारी नाउन पढ़ी थी, जनरली जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो अनकाउंटेबल होती है, ठीक है, इनमें से ऐसी कुछ हो सकती है जिनको आप काउंट कर सको बट काउंट करते नहीं है, जैसे कि स्टोन हो गया, स्टोन को काउंट करने बैठो तो कर सकते हो आप, ठीक है, पत्थर आप लेके बैठो और फ्री टाइम है तो गिनते जाओ गिनते जाओ, लेकिन इसको करते नहीं है, हम इसको मेजर ही करते हैं जनरली, पत्थर को हम टुकड़े कर करके या कितने भी कर सकते हैं, फिर कितना भी आप गिनते रहो उनको, तो ऐसा काउंट कर तो सकते हैं लेकिन करते नहीं है, इनको जनरली आप मेजरमेंट करते हैं उनका, या हम बोलें कि उस तरह से जैसे आप घर वगैरह बनाने में यूज कर रहे हो तो उस तरह से हम यूज करते हैं, ना कि हम इसको काउंट करके, ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने नाउन पढ़ी और नाउन के टाइप्स भी देख लिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का कवर करने वाले हैं, तो यहाँ पर इतना ही, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसके वीडियोस आपके सामने डेली आएंगे तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।